एक बार फिर पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है और इस बार उत्तराखंड का मान बढ़ाया इन दो सगी बहनों ने, जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल सैन्य नर्सिंग सेवा यानी MNS की अपर महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी और दक्षिणी कमान मुख्यालय ब्रिगेडियर MNS अमिता देवरानी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली, आपने शून्य से भी नीचे के तापमान वाले दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हैं और कई जंगी कार्यवाहियों के दौरान हताहतों की देखभाल की है और सैकड़ों रोगियों की जान बचाई है। आपने COVID-19 महामारी के दौरान सभी AMS अस्पतालों में टीकाकरण अभियान को सुव्यवस्थित किया। यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत हताहतों की निकासी और प्रबंधन के लिए आपकी UN द्वारा सराहना की गई और विगत में आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। मेजर जनरल स्मिता देवरानी, ये दोनों ही सगी बहनें हैं। शंभू प्रसाद देवरानी की तीन संतानों में सबसे बड़ी स्मिता ने सेना में 1983 में कमीशन हासिल किया था। आपको बता दें, दोनों बहनें यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के डाडा मंडी क्षेत्र की डूंडे गांव के रहने वाली हैं। नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड होकर दून के बसंत बिहार में रह रहे मेजर जनरल स्मिता देवरानी के चाचा डॉक्टर सुरेश देवरानी ने बताया कि उनके भाई शंभू प्रसाद देवरानी के तीन संतानों में सबसे बड़ी स्मिता ने सेना में 1983 में कमीशन हासिल किया। 1 अक्टूबर 2021 को ADG MNS का कार्यभार संभालने से पहले वो आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की प्रिंसिपल मैट्रन, ब्रिगेडियर MNS मध्य कमांड मुख्यालय और प्रिंसिपल मैट्रन कमांड अस्पताल दक्षिणी कमांड और डायरेक्टर MNS एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अलग अलग प्रमुख पदों पर रह चुकी हैं। वर्तमान वो दिल्ली में तैनात हैं। उनकी छोटी बहन अमिता देवरानी एक ब्रिगेडियर हैं जो वर्तमान में पुणे में कार्यरत हैं। वहीं ब्रिगेडियर अमिता 1986 में कमीशन हुई थी। वो पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और इंडियन नेवल अस्पताल शिप INHS अश्विनी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी नबिता दून के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रिंसिपल हैं। वो बताते हैं कि स्मिता समेत तीनों बेटियां शुरू से ही मेधावी रहीं। दिल्ली में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उनके परिवार से जुड़े राकेश देवरानी, जगदीश देवरानी, सुबोध देवरानी ने बताया कि दोनों बहनों की उपलब्धि से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है।